हेलो दोस्तों, तो स्वागत आपका हमारे इस व्लॉग में। तुम्हारा भाई जा रहा है हिमाचल। अब यहाँ से आपके हिमाचल के व्लॉग शुरू हो जाएंगे, तो आपको अपडेट मिलेगी पहाड़ों में जाने के बाद आगे की। तो आज हम यहाँ से निकलते हैं घर से। कुछ दिन से मैंने व्लॉग भी नहीं डाला था, इसीलिए नहीं डाला था क्यों हिमाचल के व्लॉग डालने से। और वैसे भी हम में परमानेंट गाड़ी चल रही थी, इसलिए वहाँ के रोड भी ज़्यादा अच्छा नहीं था, टूर भी कुछ खास नहीं था, इसलिए व्लॉग नहीं डाले थे। तो अब अपने व्लॉग्स आएंगे हिमाचल के। तो ये वही चेहरा है हमारे साथ में जो मिर्चों के सीजन में था। तो फिर मिलते हैं आपको पहाड़ों में जाने के बाद। व्लॉग को लास्ट तक देखना, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। चलो फिर मिलते हैं आगे। तो भाई, तुम्हारा भाई आ चुका है पहाड़ों में। यहाँ पे सुबह का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, मन लग रहा है बहुत अच्छा। देख सकते हो आप रिव्यू, सुबह सुबह कितना प्यारा लग रहा है। और ये गाड़ी जो है ये चल नहीं पा रही है, पता नहीं गाड़ी में फॉल्ट है कुछ, नहीं तो गाड़ी तो आसानी से चल जाती है। और ये तुम्हारा भाई ले रहा है मुझे पहाड़ों के। कमेंट में बताओ रिव्यू कैसा लगा आपको ये सामने का। ये अपनी गड्डी खड़ी है भाई, 4465। ये यहाँ की सुबह है भाई। यहाँ पे बहुत मन लगता है भाई, बहुत ज़्यादा मन लगता है, बहुत अलग ही फीलिंग आ रही है एक सुबह सुबह की। तो अभी थोड़ी आंखों में नींद सी भरी हुई है, पूरी रात होगी गाड़ी चलाते चलाते। चलो चल के अभी इन गाड़ी वालों की हेल्प करते हैं। मैंने अपनी गाड़ी साइड से खड़ी कर दी है बंद करके। चलो मिलते हैं इनसे, क्या प्रॉब्लम है इनके साथ। तो भाई ये मिला है अपना यार अर्षद, ये एप्पल भर के ला रहा है। कहाँ का ला रहा है? मुंबई। मुंबई, कोई दिक्कत ना चल, अपना ही आदमी है। ये अपना भांजा खड़ा है, बता ये यहाँ पे मिले। ये बेचारी गाड़ी नहीं चल रही है, पता ना किसकी है, गरीब की। जोर लगा रहे हैं काफी देर से, टक्कर के रोड है। हाँ हिलाल भाई, ये अपना जिगरी आ रहा है, नहीं पड़ी थी भाई। सेटिंग में आता दोनों का, कोई दिक्कत वाली बात ना। एक का नाम यू लिखवा रखा है इन्ना गाड़ी का। यू अपनी बीवी है भाई, अपनी वाइफ। आफरीन, इतने सीन को हम काट देंगे, तुम टेंशन मत लो, बाकी अपना जिगरी यार तो है ही। तो भाई यहाँ पर आने के बाद में इतना अच्छा फील होता है, बहुत बढ़िया। तो ये आ चुकी है कैंची, ये हम ऊपर की तरफ घूम गए हैं। यहाँ से नज़ारा देखना आप, नीचे का नज़ारा देखो आप कैसा लग रहा है भाई। मन लगता है बढ़िया वाला, बंदा बोर नहीं होता है गाड़ी चलाते हुआ ज़्यादा। पहाड़ में हाल का साथ ही नहीं है। तो देखो हम वहाँ से हैं नीचे की तरफ से, पहले रोड यहाँ से बहुत ज़्यादा ख़राब था, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन अब यहाँ पे इतना गजब का रोड बन चुका है, बहुत ज़्यादा मन लगता है चलते हुए भी। पहले बहुत छोटा रोड था, जितना ये वाला पट्टी है इतना छोटा रोड था पहले ये, अब जो है बहुत अच्छा कर दिया है इसे। चलो फिर आपको छोटा रास्ता भी दिखाते हैं जहाँ पे सिंगल रोड शुरू होता है, बहुत छोटा रास्ता आएगा आगे। अभी से चौड़ा रास्ता है, इस पे आगे बड़ी गाड़ी नहीं जा पाती है आगे जाने के बाद में, वो आपको दिखाता हूँ अभी आगे चल के मैं। गाइस ये छोटा रोड शुरू होता है यहाँ से, देखो कितना बड़ा रोड है, इस पे सिंगल ही गाड़ी चल पाती है, कहीं कहीं पे गाड़ियाँ बसती है। यहाँ पे बहुत मुश्किल होती है गाड़ी बचाने में, ज़्यादा छोटा रास्ता है यहाँ से ये। और माशाल्लाह रिव्यू भी अच्छा है यहाँ का, देखने में मन लगता है।
देखो आप अभी आगे वाली गाड़ी को दिखाता हूँ आपको कितनी कितनी बज के निकलती है। वो चल रही दूसरी गाड़ी हमारे आगे, बहुत नए बंदे को मुश्किल होता है यहाँ पे गाड़ी चलाना, क्यों हर जगह का उसे पता नहीं होता है कहाँ पे गाड़ी बच जाएगी कहाँ पे नहीं बचेगी। देखो आप सामने कितनी कितनी बच के जा रही है गाड़ी, देख सकते हैं आप। ये बिल्कुल फिक्स रास्ता होता है इधर, और फीलिंग भी इसी रोड पर आती है ज़्यादा गाड़ी चलाने में। देखो आप, और कमेंट में ज़रूर बताना, व्लॉग को पूरा देखना, लाइक एंड सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, याद करके बिल्कुल। देखो इधर का रिव्यू देख सकते हैं आप कैसा लग रहा है। ये आपका भाई हिलाल खान 02। तो सभी भाई जो है लोग को लास्ट तक देखना, लाइक एंड सब्सक्राइब करना जरूर। देखो बिल्कुल गाड़ी ये बहुत खतरनाक रोड होता है यहाँ से। अब तो ये बन चुका है यहाँ से पहले, बाकी रोड यहाँ पे गड्ढे थे बहुत ज्यादा, पत्थरों पे गाड़ी चलती थी। अब तो बहुत सहूलियत है फिर भी, लेकिन रास्ता उतना ही चौड़ा है जितना पहले था, इसीलिए यहाँ पे मेरा मन लगता है आने के बाद। ओ हो, देख सकते हैं आप कितनी कितनी बच के जा रही है आगे वाली गाड़ी, गाड़ी बिल्कुल फिक्स बच के निकल रही है मेरी गाड़ी का। देख सकते हैं आप भाई, हल्की सी मिस्टेक यहाँ पर खतरनाक साबित हो सकती है। तो भाई ये गाड़ी बच रही है यहाँ पे, छोटा रास्ता है इसलिए मुश्किल हो रही है बहुत ज्यादा। ये उस्ताद मांगे देहरादून के, ये गंजा मेरा यार, आई लव यू टकले मेरी जान, ये अपना जिगरी है। देखो ये गाड़ी बच रही है यहाँ पे, बहुत मुश्किल होता है यहाँ पे गाड़ी बचाना। ये रिव्यू देखो आप यहाँ का, गजब कर रही है भाई। ये कच्ची ढांग है यहाँ पे, इधर गाड़ी नहीं उतार सकते नीचे, बस बता रहा हूँ। ये बच रही है गाड़ी, चूँ कर रहे हैं ब्रेक। चलो फिर मिलते हैं, रूम जाके मिलते हैं आपसे भाई। और अब तुम्हारा भाई भर रहा है यहाँ से पानी, ये पहाड़ों से ठंडा ठंडा पानी आता है, बिल्कुल शुद्ध वाटर। देखो ये बिल्कुल चिल्ड पानी आ रहा है भाई, ये इधर जब बारिश पड़ती है सामने की तरफ झरना बहता है, उधर सामने ये रहा उधर भी निकल रहा है पानी, पीछे भी निकल रहा है, और हम यहाँ से भर रहे हैं, हर बार यहीं से भरता हूँ मैं पानी। तो भाई यहाँ के पानी का मजा भी अलग है, अलग फीलिंग देता है यहाँ का। ये बोतल भर चुकी है, अब दूसरी बोतल भरने जा रहे हैं। चलो मिलते फिर। तो भाई तुम्हारा भाई आया है यहाँ पर घूमना आसू भाई को लेकर, चांद भाई को लेकर, चांद भाई नहीं माजिद भाई, चांद भाई इनके पिताजी का नाम है, चांद चाचा। तो यहाँ पे ब्रिज पे एंजॉय करने हैं, मजे लेना, फोटो शूट करने हैं माजिद भाई के, काले बच्चे के। ये अपने बिहार से भगा दिया हम, यूं की माया के रह लगे हैं, यहाँ से भाई का घर वहीं था हमारी, बड़ा दोस्त है, खास यार है, मित्र है, मित्र है। तो हम यहाँ पे ब्रिज पे घूमने हैं, थोड़ा उधर मन भी नहीं लग रहा था गाड़ी के पास में। आप देख सकते हो नज़ारा, ये नीचे की तरफ देखो पानी चल रहा है, बहुत गजब का मामला रहता है यहाँ पे। तो फाइनली दोस्तों ये लोडिंग शुरू हो चुकी है, ये हमारा जो है पहला व्लॉग यहाँ पे ख़त्म होता है,
यहाँ से लोड होने के बाद गाड़ी कहाँ माल लेके जाएगी वो दूसरे व्लॉग में बताएंगे आपको। अभी यहाँ से लोडिंग करने के बाद हम रात को निकलेंगे किसी टाइम। ये अपना हिमाचल में रूड़ू मंडी, ये लॉन्ग टूर के लिए लोड हो रही है, इसलिए सेकंड व्लॉग अलग से बनाना पड़ेगा। तो फिर चलो मिलते हैं आपसे।